हैप्पी बर्थडे ईशा। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या डैड, नीति ये बोरिंग लेदर बैग हर रोज ऑफिस लेकर आती है। लेकिन मैं क्या करूं, मार्केट में तो इसी तरह की बैग मिलती है। शख्स यही तो प्रॉब्लम है आज। बैग्स हमारे अटायर और स्टाइलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन मार्केट में मिलती है वही डल और बोरिंग या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर की लेदर बैग। और अगर मैं कुछ हटके और कलरफुल लेना चाहती हूँ तो मिलती है एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग्स, जिनको खरीदने में तो जेब ही खाली हो जाती है। चाहे मेकअप किट रखनी हो या सैनिटरी प्रोडक्ट्स, कीज रखनी हो या कैश, बैग्स तो लेडीज की लाइफलाइन है ना यार। बैग्स की इस कैटेगरी में कोई ट्रेंडी कलरफुल बैग्स क्यों नहीं बना। टेंशन मत लो, माईशा है ना। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ ईशा शाह। मैं नयन शाह। और मैं नील पुरा। हम अहमदाबाद से हैं और हमें फाउंडर्स ऑफ माईशा। ये बैग्स बनते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि कॉटन स्लब, जकार्ड, बर्लैप और जूट जैसे फैब्रिक्स। ये बैग्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। हमारे पास 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और हमने 50,000 से ज्यादा बैग की सेल की है। हमारा प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट maishalifestyle.com और मार्केट प्लेस जैसे कि नाइका और अमेजोन पे मिल सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट ही नहीं, हमारी ब्रांड भी न्यू एज है। वैसे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन माँ बाप अपने बच्चों को हैंड ओवर करते थे, लेकिन मैंने एक न्यू एज अप्रोच लेते हुए अपनी बेटी ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। हमने साथ में मिलकर बनाया ये दमदार न्यू एज ब्रांड। हमारा विजन है कि हम हर एक लेडी और वुमेन की वार्डरोब में एक माईशा बैग जरूर देखना चाहते हैं। हमारी आस्क है 75 lakhs फॉर 3% इक्विटी इन आवर कंपनी। शार्क्स, अलीबाबा का तो पता नहीं, लेकिन अब आपको मिलेगा बैग्स का खजाना विद माईशा। साथ में काम करने का कुछ इक्वेशन बताइए, डायनेमिक्स बताइए अपने आपस में। सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, उसमें मैं डट के मेरी जिद पे ही रहती हूँ दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। बालाजी, ही नोज यू आर द बॉस। या आई हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन द क्रिएटिविटी। मेरा रोल क्या है मैं बता देता हूँ, विनीता और नमिता समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हूँ नड़तो नदी है मैं। इसका मतलब बोले तो आई डोंट फाइट हर, मतलब मैं उससे पंगा नहीं लेता हूँ, करेक्ट ना? बिल्कुल। No points of guessing के ऐशा तो CEO है। नहीं, my father is the CEO. अच्छा, वहाँ तक है। Yes. आप तीनों में से कौन क्या-क्या संभाल रहा है अभी कंपनी में? क्लैरिटी दे दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। She is the creative head. तो उसके दो मेन काम हैं, कंसेप्ट से लेके पायलट प्रोडक्शन तक, she is the one who handles everything. We are very very strong on social media. तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएशन जो है वो पूरा उसका जिम्मा है। मेरा काम है ऑपरेशंस, नील का काम है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं असम्पशन कर रहा हूँ आप बूटस्ट्रैप हैं अब तक? यस सर। एक्विटी स्प्लिट क्या है? 50-50। थैंक यू। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। यस। है मतलब जो वजन है बैग में वो तो बहुत अच्छा है। ओनली क्वेश्चन आई हैव इज वो जो डिजाइन लैंग्वेज जो कहा जाता है, एक ब्रांड की एक एस्थेटिक स्टाइल है, वो कंफ्यूजिंग है। एक डिफरेंशिएटर नहीं, आप कोई भी बड़े डिजाइनर की बैग देखें तो आपको दूर से समझ में आता है कौन से डिजाइनर, क्योंकि एक डिजाइन लैंग्वेज होती है, एक टाइप की ब्रांडिंग होती है। यहाँ वो बात नहीं दिख रही है, एटलीस्ट मुझे। Can we see your Insta page? Of course. So that's our Instagram page. We have about 240,000 followers on Instagram. Awesome. Engagement? हमारी हर एक रील पे 50,000 से लेके 2.6 million views भी आए हैं। Awesome.
दिखाना जा रहा कोई कंटेंट खोल के दिखाना कोई भी आपका फोकस है स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड यस दैट हैज ऑलवेज ये हेडफोन कौन सा है सर बोट का है सर वेरी गुड सही जवाब चेक रेडी आप ये बताइए मार्केटिंग का खर्चा कितना मंथली आपका 24% कितने लोग आपके रिपीट करते हैं ऑर्गेनिकली 20% और वो पेड मार्केटिंग से नहीं आते वो अपने आप ही आते हैं या फिर वो भी पेड मार्केटिंग से लाते हैं वापस नहीं नहीं सर वो अपने आप ही आते हैं मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस बता दो आपके हाथ में जो बैग है वो 1449 की है सारे बैग इस रेंज में राइट एक चीज मुझे पूछनी दोनों से ये बैग सस्ता होगा महंगा होगा क्या तुम्हारा अफोर्डेबल है काफी अफोर्डेबल माना जाएगा 1450 ये बैग के लिए अफोर्डेबल अच्छा है अच्छा अभी सेल्स पे आते हैं सो वी स्टार्टेड इन 2018 चार महीने का हमारा सेल था 5 लाख रुपीज 1920 में था 23 लाख रुपीज 2021 में था 73 लाख रुपीज 21-22 में था 2.92 करोड़ और ये साल हम लोगों ने 3.5 करोड़ का सेल अभी तक किया है जो जंप आया 73 से 2.92 उसका क्या प्राइमरी कारण था कोविड के आने के पहले हम लोग केवल एग्जीबिशंस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते थे 2020 में कोविड खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोगों ने खुद की वेबसाइट लॉन्च की जिसमें हम लोगों ने 73 लाख का सेल अचीव किया अच्छा पिछले महीने कितनी सेल हुई आपकी 47 लाख और लास्ट 3 मंथ में ग्रोथ क्या है पिछले 3 महीने की बताऊँ तो अगस्त महीने की थी 50 लाख सितंबर मंथ की थी 65 लाख और अक्टूबर मंथ की थी सर 47 ये साल कितना करेंगे आप नेट रेवेन्यू बताइए ग्रॉस रेवेन्यू नहीं नेट ऑफ जीएसटी इट विल बी अबाउट आई थिंक अबाउट 6.5 करोड़ पिछले महीने प्रॉफिट कितना था 47 लाख में इट अबाउट 10% 4.5 लाख रुपए आपने कमाए पिछले yes. और वो जनरली चल रहा है आपका एवरेज 10% का यस यस सर ओके गॉट इट और इन्वेंटरी कितने दिन की है आपके पास हमारी इन्वेंटरी है अभी करीब 40 डेज ऑलमोस्ट सब सेल थ्रू हो रहा है जब मेरा डिसीजन बन गया है मुझे आपकी ये फैमिली डायनेमिक्स बहुत पसंद आया दैट्स वेरी नाइस हैंडबैग का मार्केट बहुत क्लटर्ड है और मैं काफ़ी सारे एग्जिबिशन स्टोर्स जाती हूँ गिफ्टिंग के लिए देखती हूँ ऐसे कोई एक डिज़ाइन यूएसपी मुझे दिख नहीं रही है तो फैक्ट क्या आप 6.5 करोड़ कर रहे हो इज फिनोमिनल एंड वो एक आपका मार्केटिंग स्ट्रेंथ दिखाता है पर मुझे नहीं लगता है कि दिस इज स्केलेबल जहां मुझे एग्जिट मिलेगा एज एन इन्वेस्टर एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट फैंटास्टिक जॉब मेरे को स्केलेबिलिटी इशू लग रहा है इसमें और एक सजेशन मैं ये दूंगा कि डिजाइन अच्छे हैं आई एम नॉट सेइंग बैड है बट एक कहीं पे एक कॉमनैलिटी डिजाइन लैंग्वेज जो होता है ना कहीं पे कुछ टच डाल दो कि देखते ही दूर से बता दे अरे ये तो मायशा है सॉरी फॉर नाउ बट आई विल बी आउट थैंक यू अमन पहली बात ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू एंड आपका प्रॉफिट एंड यू नो अभी तक जो स्केल किया है फिनोमिनल बट उससे भी ज्यादा फिनोमिनल है आई थिंक आपका कंटेंट गेम बैग्स की ब्रांड में सब वही घिसा पिटा काम करते हैं कि बैग की इन्फ्लुएंसर के साथ पिक्चर लगाओ ये जो स्टोरी आपने बनाई है और यू नो ऑफ ओरिजिन ऑफ द बैग और कम्युनिटी आपकी जो बना रही है इस बैग्स को उनकी स्टोरी ये बहुत अलग एंड डिफरेंशिएटेड है और मुझे लगता है कि आजकल के यंग लोगों को यही सारा कंटेंट से जेन्युइन ऑर्गेनिक एंगेजमेंट लाने का एक जरिया है मेरी एक इन्वेस्टमेंट है एक कंपनी है आप जानते होंगे ज़ूक वो अभी 4-5 करोड़ मंथ का कर रही है ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ब्रांड्स नहीं आएंगे पर इसमें काफी एक पोल पोजीशन ले ली है ज़ूक ने तो वहां पे आपका ब्रांड क्रिएट करना और टफ होता जाएगा तो अभी मैं आपके साथ इसमें पार्टनर नहीं कर पाऊंगी पर कीप अप द गुड वर्क ऑन इंस्टाग्राम आई थिंक लॉन्ग रन में आप अपना डिजाइन लैंग्वेज भी फिगर आउट कर लोगे एंड ब्रांड बड़ा बना पाओगे मैं भी इससे बाहर होना चाहूंगा आई थिंक आपका सबसे बड़ा चैलेंज आएगा फैमिली डायनामिक्स बिकॉज अभी बिजनेस 7-8-10 करोड़ का है बट 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए एंड टू रेज कैपिटल आई थिंक यू विल हैव टू सॉर्ट आउट इक्विटी स्ट्रक्चर ओनरशिप आई जेन्युइनली थिंक एशिया यू विल हैव टू बिकम द सीईओ
for you to raise capital in private markets. Not because sir is not capable, but ye is brand pe aap likhe hue ho. You know, this is your baby. And you have to eventually, aaj nahi, kal nahi, kabhi future mein, jab ye ek certain scale pe jayega, you will have to take charge of that ship for it to go. But aaj main bahar hu and phenomenal job. मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, आई डोंट फुली बाय इट. क्यों? आई कांट एक्सप्लेन इट. इंस्टिंक्ट कहिए, जो भी कहिए, मुझे लग रहा है कहीं वो इक्विटेबल नहीं है और आगे जाके आपको उसमें तकलीफ होगी. सो थिंक अबाउट दैट. आई एम आउट गाइस. थैंक यू. मेरे को ना आप लोग के साथ मिलके मजा आया. मैं हमेशा एक स्पार्क ढूंढता हूँ फाउंडर में, और आपका जो इंस्टाग्राम का स्किल है वो अनपैरलल्ड है. मतलब घर बैठ के इतना जबरदस्त ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना, मैंने बहुत रेयरली देखा है. Agreed. तो आपने जो किया है वो काबिले तारीफ. इसमें जो मेरा मेन जो कंसर्न आ रहा है, आई विल बी वेरी कैंडिड, इज अबाउट एक इन्वेस्टर अगर आता है तो ये बहुत फैमिली टाइप का बिजनेस लग रहा है. स्केलेबल इन्वेस्टेबल एंटरप्राइज बिजनेस अभी मेरे को नहीं लग रहा है. पर मैं फिर भी आपके साथ इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपको मेंटोरशिप दे पाऊं. मेक इट अ एंटरप्राइज एटलीस्ट. डेफिनेटली. मेरा ऑफर है आपको 75 लाख का, जिसमें 10 लाख मैं इक्विटी में डालूंगा, 1% 10 करोड़ वैल्यू लगाइए कंपनी की, बाकी 65 लाख डेट पे है एट 18%. सीईओ साहब बताइए. The new CEO साहब will tell you. Amazing. ये हुई ना बात. ये पहले कहते तो शायद दो और ऑफर मिल जाता. अमित, we would like to go for it. Awesome. I'm glad you did not negotiate. Good decision. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. Good decision. Good deal. कुछ मिलके बड़ी एंटरप्राइज बनाएंगे. Yes. इनके इनकी नेगेटिव्स मैं बता दूंगा जिनसे आपको बचना है. Thank you. Thank you.